तो आज मेरी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, सपोर्टर्स से, डोनर्स से, सब लोगों से अपील है, या आप आम आदमी पार्टी के नहीं भी हैं, जो भी देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उन सब लोगों से अपील है कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हर गांव में, ज्यादा से ज्यादा गांवों के अंदर, देश भर में ज्यादा से ज्यादा गांवों में, हर गांव में एक एक व्यक्ति को एक एक ऑक्सीमीटर देके उस गांव की जिम्मेदारी दे दी जाए। ये पूरा समाज की तरफ से है, ये पूरा हम ये प्राइवेट एफर्ट है, इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। तो एक गांव के अंदर मान लीजिए एक व्यक्ति को ऑक्सीमीटर दे देते हैं और पूरे गांव के अंदर पर्चा बांट के कह देते हैं भाई अगर किसी को भी बुखार हो, किसी को भी सांस लेने में तकलीफ हो, किसी को भी खांसी हो, तो वो बता दे और ये व्यक्ति अपना ऑक्सीमीटर उनके घर पहुंचा देगा और वो अपनी ऑक्सीजन की जांच कर सकते हैं। उस व्यक्ति को अपनी कोरोना के तो जांच करानी चाहिए, वो तो सरकार जांच करेगी, जहां भी जांच केंद्र होंगे वहां जाके वो अपनी जांच कराएगा, लेकिन कई जगह कई राज्यों के अंदर जांच फैसिलिटी तक पहुंचने में मान लीजिए देर लग जाए, जांच के नतीजे आने में देर लग जाए, तो ऑक्सीमीटर से अगर पता चल जाए कि उसे ऑक्सीजन कम हो रही है तो तुरंत उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाके कम से कम ऑक्सीजन देके उसकी जान बचाई जा सकती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोरोना में ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं और आदमी की डेथ हो जाती है, मोस्टली केसेस में यही होता है। तो मेरी एक तो अपील है कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीमीटर्स डोनेट कर सकें, आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीमीटर्स हमें डोनेट कीजिए और आम आदमी पार्टी को डोनेट कीजिए और हम ये ऑक्सीमीटर्स जो जिन जिन गांवों के अंदर लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार होंगे उन उन गांवों के अंदर ये ऑक्सीमीटर पहुंचा देंगे और ज्यादा से ज्यादा पूरे देश भर में गांवों में हम ऑक्सीजन जांच केंद्र, एक एक ऑक्सीजन जांच केंद्र बनाएंगे ताकि अगर किसी की ऑक्सीजन कम हो जाए तो वो अपनी ऑक्सीजन जांच करके और उसको उसकी जान बचाई जा सके। इसके जरिए हमारा मकसद केवल जान बचाने का है।